नमस्कार तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, देवों के देव महादेव जी यह खुशखबरी तुम्हें बहुत पहले देना चाहता था, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से हाथ में आया मौका चला गया। जी हाँ तुला राशि वालों, लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देवों के देव महादेव जी फिर से आपके जीवनकाल में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, अब आपके जीवनकाल से पैसों की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाले हैं। तुला राशि वालों, अब आप गरीबी और दरिद्रता में जीना बंद कर दो, क्योंकि तुला राशि वालों देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल से अपार धन संपदा की बारिश होने वाली है। जी हाँ, अगर आप इस शुभ अवसर शुभ मौके का लाभ उठाना चाहती हैं तो अपने जीवन काल को संवारना चाहती हैं तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वो सभी जानकारियां वो सभी बातें बताई गई है जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और साथ ही साथ दिन भर में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में बताई गई है कि कहीं आपकी एक छोटी सी गलती के कारण ये मौका आपके हाथ से चला ना जाए, क्योंकि दोस्तों बड़े ही भाग्य से इस तरह के मौके हमारे जीवन में आते हैं, और अगर एक बार किसी वजह से चला जाता है तो दोबारा आने में बहुत समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव जी का अब निराला खेल देखो। देवों के देव महादेव जी कैसे आपके जीवन काल में हड़कंप मचाती है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज के इस दुनिया में पैसों की जरूरत हर किसी को है। पैसे के लिए ही लोग अपनों से पराए हो रहे हैं और यही पैसे के लिए लोग पराए भी अपने हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दूसरों और आप में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के जितने भी जातक हैं वो सभी बहुत ही सरल और बहुत ही भोले हैं। लोग आपकी यही भोलेपन का नजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, यहाँ तक लोग आपकी हक भी छीनने लगते हैं। उस समय आप सिर्फ यही सोचते हैं कि हे भगवान, इसमें हमारी क्या गलती है, हमने किसी का क्या किया है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक चिड़िया ने एक बार मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतने मेहनत से इतने परिश्रम करके अपना शहद इकट्ठा करते हो और लोग उसे चुरा ले जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है? तो मधुमक्खी ने एक बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया चिड़िया को कि लोग मेरा शहद ही चुरा सकता है, शहद बनाने की कला नहीं। ठीक उसी प्रकार लोग आपसे वही ले सकता है जो आपके पास है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही बोले गुरुजी। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, कौन कौन से लाभ आपको मिलने वाले हैं। तुला राशि वालों, देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेन देन के मामले में आज आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दोस्तों आज आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बन रही है, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन आज आप अपने धन को निवेश कर रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं तो आज के दिन जरा सावधान रहिएगा। कार्यक्षेत्र में आज आप अधिकारियों से किसी बात पर नाराज हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों आपको नाराज नहीं होना है, नहीं तो दोस्तों आपका बने बनाए कार्य बिगड़ सकता है। आप उनके द्वारा दिए गए काम को समय पर पूरा करें। यदि आपने अपने मन की बात किसी बाहरी व्यक्ति से शेयर की तो वह बाद में आपका मजाक बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको किसी काम को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुछ अजनबी लोगों से मुलाकातें होगी, आपके मन की इच्छा आज पूर्ति होने से आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों,
इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो दिन है आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भूमि, वाहन, मकान आदि की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसके सभी पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें। देखिए दोस्तों, अस्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। साझेदारी में यदि किसी काम को करने में आप पूरी रुचि दिखाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं आज दूर होंगी। जो समस्या बहुत लंबे से पांव पसारे हुए थी, कलह कलेश बात विवाद की समस्या थी, तो वह अब आपके जीवन काल से हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे व समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है। जी हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, उन्हें समय रहते पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी वह काम आपका बन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लापरवाही करेंगे या फिर उसे कल पर टालेंगे तो वह हमेशा के लिए पेंडिंग में रह सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो काम उसी समय के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे। देखिए दोस्तों, आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत और लगन से जुटे नजर आएंगे, जिससे उनका काफी ज्यादा लाभ होगा और पढ़ाई का पूरा पूरा फल मिलेगा आने वाले समय में। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों से अपने सीनियर को काफी ज्यादा प्रसन्न रखेंगे, लेकिन आपको किसी पर अधिक विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर ना करें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। जी हाँ, जो आपको अच्छा लगेगा वही करिएगा, उसी में आपको संतुष्टि मिलेगी और उसी में आपको खुशी मिलेगी। आपको अपने किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, वह जल्दी वह किसी की बातों में न आए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज आपकी अध्ययन व अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, और आपको यदि धन संपत्ति कोई समस्या चल रही थी तो वह उनके मित्र की मदद से दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, मित्रों के साथ आप किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आज बात विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आप वरिष्ठ सदस्यों से बिजनेस संबंधित कोई मदद ले सकते हैं, और आपके कुछ काम यदि लंबे समय से लटके हुए थे तो वो भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, निजी मामलों में आप सावधानी बरतें, नहीं तो कोई आपको गुमराह कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आज के दिन कोई ईश्वर भक्ति के नाम पर आपसे रुपया पैसा ठग सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अपने किसी मित्र की बातों में आकर किसी लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं, जिससे आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई झगड़े आपको बिल्कुल नहीं करना है, उनसे दूरी बनाकर रखना है, और कोई भी बात जब तक आप पूरी जांच पड़ताल ना कर लें, अच्छे से ना समझ लें, तब तक आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पारिवारिक विषयों में पूरी सक्रियता दिखाएंगे, आपके शांतिक सुख के साधनों में वृद्धि होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने व्यापार में कुछ नई योजनाओं को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग कर सकती हैं। आपकी आय बढ़ने से आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार के सदस्यों को भी कुछ समय देंगे, जिनसे आप कुछ जरूरी कामों को लेकर बातचीत कर सकती हैं। संतान के किसी परीक्षा के परिणाम आने से घर में खुशियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और आज का दिन आपके लिए जन कल्याण के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे, और आपको लाभ के चक्कर में किसी बड़े लाभ को हाथ में लेने से आने देने से
बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप कुछ नए लोगों से भी मेल जोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और भाई बंधुओं की भावना आज बढ़ेगी और कुछ कामों को लेकर व्यस्तता आज आपके ऊपर बनी रहेगी। आप धर्म कर्म के मामले में आगे बढ़ेंगे और जो है काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन आज गलत फहमी से बचिएगा, क्योंकि गलत फहमी की वजह से आपसे कोई बड़ी गलती हो सकता है, इसलिए थोड़ा डाउट से बचिएगा। बाकी समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका